लखनऊ से इस वक्त की बड़ी खबर, दंगा आरोपियों के पोस्टर लगाने का मामला। तो इलाहाबाद हाई कोर्ट ने यूपी सरकार को नोटिस भेजा है, डीएम पुलिस कमिश्नर को कोर्ट में पेश होने को कहा है। थोड़ी देर में डीएम पुलिस कमिश्नर कोर्ट में पेश होंगे। तो लखनऊ की सड़कों पर दंगाइयों के पोस्टर पते और नाम के साथ लगाए गए थे। अब कोर्ट ने इस मामले में पूछा है कि किस कानून के तहत ये होर्डिंग लगाए गए हैं। तो वसूली के पोस्टर पर इलाहाबाद हाई कोर्ट ने नाराजगी जाहिर करते हुए किस कानून के तहत ये होर्डिंग लगाए गए हैं और अब 10 बजे पुलिस कमिश्नर और डीएम को तलब किया है। अब वो कोर्ट में पेश होंगे, अपना पक्ष यहां पर किस तरह से रखा जा सकता है देखना होगा। तो योगी सरकार ने लखनऊ हिंसा के आरोपियों से वसूली के नावन पोस्टर जो है वो लगवाए थे और पिछले महीने यूपी में नागरिकता कानून के खिलाफ प्रदर्शन में कई सरकारी संपत्तियों को भारी नुकसान पहुंचा था। तो वसूली के पोस्टर पर अब इलाहाबाद हाईकोर्ट ने नाराजगी जाहिर करते हुए डीएम और कमिश्नर को तलब किया है और 10 बजे का वक्त रखा गया। तो अब किसी वक्त ये पेशी यहां पर हो सकती है और सरकार का पक्ष जो है वो रखा जा सकता है। और इसी पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे संवाददाता गगन मिश्रा लाइव जुड़ गए हैं, उनका हम रुख कर लेते हैं। गगन, वसूली को लेकर जो पोस्टर लगाए गए थे, अब उसमें इलाहाबाद हाईकोर्ट ने नाराजगी जाहिर करी है और डीएम कमिश्नर को तलब किया है, ताजा अपडेट लेना चाहेंगे आपसे इस मामले में। देखिए बिल्कुल, 10 बजे आज चीफ जस्टिस और न्यायाधीश रमेश सिन्हा के सामने जिलाधिकारी लखनऊ और पुलिस कमिश्नर के पेश हो सकते हैं या उनके वकील के द्वारा कुछ बिंदु को रखा जा सकता है जिससे कोर्ट को ये संतुष्ट किया जा सके कि आखिरकार जो ये पोस्टर लगाए गए हैं लखनऊ के लगभग मुख्य चौराहे पे वो क्यों लगाए गए हैं। लेकिन सबसे पहली बात है वो आपको बता दें और सबको समझना जरूरी है कि जिला प्रशासन की तरफ से जो आज कोर्ट के सामने 3 बिंदुओं पर बात रखी जाएगी। पहला बिंदु ये रहेगा कि जो जिला प्रशासन का तर्क रहेगा कि किसी भी कानून में ये नहीं लिखा है कि ये होर्डिंग्स ना लगाई जाए या किसी का जो किसी उपद्रवी होता है या कोई हिंसक होता है उसका चेहरा सार्वजनिक ना किया जाए, ये कानून में नहीं लिखा है। दूसरा पॉइंट जो जिला प्रशासन की तरफ से कोर्ट के सामने ये रखने जाने वाला है कि जो ये संपत्ति जैसे जो व्यक्तियों की फोटो लगाई गई है, क्योंकि अगर ये 30 दिन के अंदर पैसा नहीं जमा करते कि उनकी संपत्तियां कुर्क होगी, तो जिला प्रशासन का तर्क कोर्ट के सामने ये रहेगा कि जो संपत्तियां इनकी कुर्क होगी क्योंकि कुछ लोगों की सूचना है जिला प्रशासन को कि वो अपनी संपत्तियां किसी थर्ड पार्टी को बेच सकती हैं और बेचने के बाद जिला प्रशासन उस संपत्ति की कुर्क नहीं कर पाएगा, इसलिए ये तस्वीर इसलिए लगाई गई है कि ताकि लोग ये जान सकें कि इन व्यक्तियों से इनकी संपत्तियां नहीं खरीदी हैं क्योंकि इन संपत्तियों को अगर ये पैसे नहीं जमा करते तो इनको जिला प्रशासन कुर्क कर सकेगा। तीसरा पॉइंट ये रहेगा जिला प्रशासन का कि जो अनुच्छेद 21 है जिसमें नागरिकता का कानून नागरिकता का अधिकार देता है, उसी के तहत लोगों को सूचना के तहत अधिकार देता है कि लोग सूचना प्राप्त कर सकें कि जो ये व्यक्ति हैं, जो ये जिन व्यक्तियों की फोटो लगाई गई है, जो 57 उपद्रवी हैं, उनके वो कौन है, उन्होंने उपद्रव किया था, उन्होंने लखनऊ की फिजा खराब की थी, साथ ही साथ उनकी संपत्तियां ना खरीदें क्योंकि उनको न्यायालय या जिला प्रशासन कुर करने वाला है। तो जिला प्रशासन पूरी तरह से तैयारी कर चुका है, कुछ ही देर में कोर्ट के सामने प्रस्तुत होगा, वो अपने तर्क रखेगा कि आखिरकार उन्होंने किस कानून के तहत ये होर्डिंग्स लगाई गई हैं लखनऊ में और योगी सरकार की जो मंशा है कि उपद्रवी हैं उनका वो बेनकाब हो, वो जो मंशा है वो पूरी हो, इसी के लिए 3 पॉइंट पर जिला प्रशासन आज बिल्कुल दंगाइयों को सबक सिखाने के लिए ये सख्त लहजे में संदेश देने की कोशिश योगी सरकार और प्रशासन की तरफ से की गई है। लेकिन अब जिस तरह से डीएम और पुलिस कमिश्नर को तलब यहां पर किया गया है, क्या वो वहां पर पहुंच गए हैं सुनवाई के लिए? देखिए बिल्कुल, जिला प्रशासन के अब डीएम के कई जो होते हैं एडीएम होते हैं वो एडीएम वहाँ पर पहुँच चुके हैं, जिसमें जिन एडीएम के न्यायालय ने ये आदेश पारित किए थे, चाहे वो एडीएम ट्रांसगोमटी हो, एडीएम वेस्ट हो और एडीएम पूर्वी, ये तीनों एडीएम इलाहाबाद में पहुँच चुके हैं और कुछ ही देर में कोर्ट के सामने अपना जो तर्क है जिस तर्क के तहत चीफ जस्टिस ने सवाल जवाब किए हैं जिला अधिकारी और पुलिस कमिश्नर से, वो तर्क रखने की प्रयास करेंगे। जैसा अभी 3 पॉइंट मैंने बताए, वो 3 पॉइंट पे ही जिला प्रशासन कोर्ट के सामने प्रस्तुत होगा, वो 3 पॉइंट कोर्ट सामने रखेगा और प्रयास करेगा
कि वो चीफ जस्टिस को संतुष्ट कर सके। बिल्कुल, ये तीन पॉइंट किस तरह से रखे जाते हैं, अपना पक्ष किस तरह से रखा जाता है, ये तो यहाँ पर देखना होगा गगन। लेकिन जिस तरह से एक पहली चुनौती कहीं ना कहीं यहाँ पर दंगाइयों तक पहुंचने की थी और अब जब पहचान हो गई है तो वसूली के लिए और उनको सबक सिखाने के लिए कदम उठाया गया था, लेकिन अब जिस तरह से कोर्ट ने नाराजगी जाहिर की है और कानून पूछा है कि आखिर किस कानून के तहत, किस नियम के तहत ये पोस्टर लगाए गए हैं, पक्ष क्या रखा जाएगा, ये तो यहां पर देखना होगा। लेकिन चुनौती कहीं ना कहीं मुश्किल भी सरकार के लिए। देखिए, बिल्कुल मुश्किल इसलिए है क्योंकि इसको हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस ने सुमोटो लिया है और देर रात दोनों जिलाधिकारी और पुलिस कमिश्नर को तलब करती है, क्योंकि योगी की सरकार की शुरुआत से ही मंशा रही है कि वसू, क्योंकि सीएम योगी आदित्यनाथ खुद ये कहते हुए आए थे कि जो हिंसा करेगा, जो आगजनी करेगा, जो तोड़फोड़ करेगा, वसूली उनसे होगी। लेकिन जब ये चौराहों पर ये होर्डिंग्स लगाई गई, क्योंकि उत्तर प्रदेश में पहली मर्तबा होगा कि इस तरह से सार्वजनिक रूप से लोगों की पोस्टर लगाए गए, क्योंकि ऐसे किसी से वसूली होनी थी तो तहसील या कलेक्ट्रेट के बाहर पोस्टर लगा दिए जाते थे, उसमें नाम होते थे, फोटो बहुत कम प्रयोग होती थी। लेकिन पहली बार ऐसा हो रहा है कि इस तरह से तस्वीर लगाई गई है और लोग पता देख भी सके है और नाम भी है। बिल्कुल, सुनवाई को लेकर आप नजर बनाए रखिए, अपडेट हम आपसे गगन लेते रहेंगे।